सबसे बड़े लड़ैया रे, धम 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 लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ये। लेकिन ये वक्त बताएगा, ये विधानसभा बंडा की जनता बताएगी कि छल कपट करने के बाद कितना नुकसान पार्टी को होता है, ये सब समझ में आएगा। जो बंडा की विधानसभा में जो 70-75 हज़ार परिवार हैं उनकी सेवा हो सके, उनके सब काम हो सके। ये पार्टियां जो हैं ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाती हैं। रात इंदौरी की लाइन है कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो चुनाव भी भरपूर हो रहा है और हम ये बात कहेंगे कि कांग्रेस गड़बड़ कर रही है, भाजपा गड़बड़ कर रही है। जब जब लक्ष्मी नारायण यादव ने चुनौती दी है, चुनाव हारते हैं चुनाव जीतते हैं कुछ लोग, लेकिन लड़ना चाहिए। जब तक लड़ोगे नहीं जब तक जीतोगे नहीं। भाई साहब, भाई सब सबसे बड़े लड़ैया रे, धम 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 लड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। ये हम ये कहेंगे कि कुछ लोग कमजोर समझकर यूं ही टाल देते रहे आप, लेकिन आज एहसास करा दिया आपने कि हम भी कुछ चीज। एहसास कराने का सवाल नहीं है बीडी भाई, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपको लोग सुनते हैं। ये पार्टियां जो हैं ये तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाती हैं, और ये जो सोचती हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं, ऐसा इस देश में नहीं है। लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, और आज यही उसका कारण है कि यहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, लोग आते हैं और लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। झाड़ू चलेगी, दौड़ेगी, सबको झाड़ देगी। बंडा विधायक कैसा हो? क्या चल रहा है आपका? नेता नहीं बेटा चाहिए जी। देखिए, बेटा ही परिवार में किसी की सेवा, अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों की सेवा करता है। बंडा को नेता की जरूरत नहीं है, एक सेवा करने वाले बेटे की जरूरत है। जो बंडा की विधानसभा में जो 70-75 हज़ार परिवार हैं उनकी सेवा हो सके, उनके सब काम हो सके, क्योंकि सेवा से ही विश्वास डेवलप होता है, और विश्वास का दूसरा नाम ही वोट है। आपके साथ सुर्खी में भी छल कपट, यहाँ भी छल कपट, कहीं ना कहीं दिल तो दुखी होता है कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है कि हमारे साथ जो है इस तरह का छल कपट होता रहा। अब ये तो वो हत्यानंद बताएंगे आपको, कोई हत्यानंद है वो बताएंगे आपको कि वो क्या है, लेकिन ये वक्त बताएगा, ये विधानसभा बंडा की जनता बताएगी कि छल कपट करने के बाद कितना नुकसान पार्टी को होता है, ये सब समझ में आएगा। भाई अब धर्म के बारे में, संतों के बारे में बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए, और कहते हैं शब्दों से इतिहास बनते हैं। एक बयान बहुत चर्चा में है महेश गिरी जी का, और उसको लेके जैन समाज में बहुत आक्रोश है। तो मैं समझता हूँ कि जो सभी धर्मों का आदर करता है, जैन समाज इस दफा उसको वोट देगी। मुझे तो लग रहा है कि झुकाव आपकी तरफ दिख रहा है। ये बात सही है कि जो पूर्व सांसद जी ने उनने कहा है वो ज़्यादा, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा बोले हैं। संत विद्यासागर जी हों या जेंस और संत हों, वो समाज के एक प्रतीक होते हैं, और ऐसे प्रतीकों पे उंगली उठाना बहुत अपराध है। और इस विधानसभा में जैन समाज, या यूं कहें दूसरे सभी समाज, इस बात की घोर निंदा करते हैं कि संतों पे इस तरह की उंगली उठाना अपराध है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। वीर भैया जिंदाबाद। मोदी भी साष्टांग हो गए, मैंने इसका असर बहुत गहरा है। नहीं, साष्टांग होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, इतने बड़े संत हैं। मेरे समझ में सेंट्रल इंडिया में उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है, जिनकी एक आवाज़ पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सर्व समाज के, अकेले जैन समाज के नहीं, सभी समाज के लोग इकट्ठे होकर मैदान में आ जाते हैं। तो मोदी जी को भी साष्टांग होना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। जाति अंक गणित समाप्त करने के लिए एक नौजवान आगे बढ़ा है कि सिर्फ तुम ही नहीं, और भी राहों में हैं, हमारी तरफ भी नजरें देखो भाई। देखिए, हम लोग एक राजनीतिक परिवार तो हैं, और ये भी कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी समस्या होती है। हम लोग दबने पिटने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो महाभारत करते हैं,
और बंडा में जो महाभारत हो रहा है वो झाड़ू के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और झाड़ू सबको झाड़ के रख देगी, यहाँ किसी के पास कुछ नहीं बचा। भगवान कृष्ण ने इस देश को लड़ना सिखाया है अन्याय के खिलाफ। शायद हिंदुस्तान में इतनी लड़ाइयाँ किसी ने न लड़ी हुई जो कृष्ण ने लड़ी हैं, उसी के वंशज हो वो, बिल्कुल आगे बढ़े चल रहे हो आप। नहीं, ये तो जनता का आशीर्वाद है, आप जैसे मित्रों का वेलविशिंग है कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है, जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाए। इस दफ़ा अगर चुनाव जीतते तो क्या सुंदर, कितना सुंदर बंडा बनाएंगे आप? देखिए, बंडा सबसे पीछे है, इस जिले में ही पीछे है, इस प्रदेश में भी पीछे है। आप गांव-गांव गरीबी आपको दिखाई पड़ेगी। विकास में सरकार की जितनी भी योजनाएं रही हैं, बंडा में उनका प्रतिशत आप निकाल के रखेंगे तो 2-4% 5% आता है। कहीं 50,000 कुटीर बना है तो यहाँ 500 ही बन पाया है। ये सब समस्याएं बंडा के साथ बहुत हैं, बंडा की जनता के साथ बहुत अन्याय हुआ है, और हम लोग अगर ये जनता हम पे विश्वास करती है तो निश्चित रूप से हम बंडा को जिले में और इस प्रदेश में सबसे आगे लेके जाएंगे। ऐसा क्या जादू कर दिया कि साहब पहले तो गिनती में नहीं थे, लोग सोचते थे अरे साहब लड़ गए तो पता नहीं आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी, लेकिन अब नंबर आप पोजीशन में आए, पर अब लग रहा है कि आपसे ही फाइट है सबकी। नहीं नहीं, फाइट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि चुनाव जिस दिशा में जा रहा है उसमें लगता है कि ऐसी स्थिति रहेगी कि कहीं झाड़ू जो है वो सबको झाड़ेगी और कोई नहीं बचेगा। एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, कांग्रेस का अपना परंपरागत वोट है, भाजपा का अपना परंपरागत, लेकिन जो वोट को पैदा करता है नियत से, सेवा से, मैं समझता हूँ वही परंपरागत वोट सबसे अच्छी बात है। वोट विश्वास का दूसरा प्रतीक है, अगर आप सेवा करेंगे, लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाएंगे तो वो पार्टी छोड़ के आपके साथ होगा। और पार्टियां भी टूटती हैं, ऐसा नहीं है पार्टियों का वोट नहीं टूटता। क्या केजरीवाल जी ने मोदी जी की नाक के नीचे साफ नहीं कर दिया? कुछ नहीं मिलता भाजपा को विधानसभा चुनाव में, कुछ भी नहीं मिलता भाजपा को, 3-4 सीटों पे आ जाती है। यहाँ भी ऐसे ही गलत दिखाई देगा, और ये पूरा जिले में जो बंडा विधानसभा की राजनीति है वो पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ेगी उससे। आप जैसे लोग अगर चुन के आते, हम ये कहते हैं भले सत्ता में ना आए लेकिन सत्ता की चाबी जरूर आपके हाथ में रहे, आपके मुंह में घी सककर सत्ता की चाबी निश्चित रूप से बंडा विधानसभा के लोगों के हाथ में रहेगी। जहाँ न्याय होगा। हाँ, अब ये तो फैसला समय वक्त आने पर होता है, अभी आगे वक्त जैसा आएगा वैसे फैसले होते हैं। केजरीवाल जी आ रहे हैं क्या? केजरीवाल जी, कल मेरी बात हुई है, 14 तारीख को उनके आने की संभावना है। मैंने अभी तारीख तय नहीं हुई। हाँ नहीं, ऑलमोस्ट मतलब ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें जो टेंटेटिव बताया गया कि 14 तारीख को, कल समाजवादी, कल जो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी मोर्चे की बड़ी कार्यकर्ता है राखी बिरला जी, वो आ रही हैं। कल महिलाओं का एक बड़ा हम लोग यहाँ गैदरिंग करेंगे, महिला विंग का जो सम्मेलन है वो कल होगा। जनता कितना इसने प्रेम दे रही है श्री जी, आप हमारे साथ चलिए, आपको प्रेम दिखाई पड़ रहा होगा, आप यहाँ खड़े हैं, इसके बाद इसके यहाँ भी आपको प्रेम दिखाई पड़ रहा होगा। मैं समझता हूँ कि लक्ष्मी नारायण यादव जी ने जिस अंदाज में बेबाकी से राजनीति की, लोहा मानते हैं लोग उनका, आज अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ रहते भी हैं, वो आपके साथ भी करें। मैं समझता हूँ लाइनें भी हैं कि जो जिस पर पिता की कृपा होती है वो जो पुत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है वो न लड़ाई में हारता है न सियासत में कभी हारता है। नो डाउट, माता पिता का आशीर्वाद सबसे जरूरी आशीर्वाद है, और जिनको भी वो भरपूर मिलता है वो समाज में निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। विधायक कैसा हो? बिल्कुल, बंडा में एक नया कार्यक्रम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। आपका भी बीडी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कहा कि लड़ना चाहिए, जो लड़ता नहीं उसे पता नहीं चलता कि जीत कैसी होती है। हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की राजनीति में तमाम लोग लड़ने के बाद ये तय कर पाते हैं कि जनता उन्हें कितना पसंद करती। आज हमने एक सवाल किया था,
सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी कहती हमारा परंपरागत वोट है, कांग्रेस ये कहती है आम आदमी पार्टी का परंपरागत वोट नहीं है, लेकिन जो सेवा करेगा सच्चे मन से जनता की सेवा करेगा अपने आप वोट पैदा होता है। और बंडा की धरती में अगर किसी का वोट पैदा हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का पैदा हुआ है, सुधीर यादव का पैदा हुआ है। सुधीर भैया अतुल विश्वकर्मा के साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज बंडा। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।